हेलो गाइस, तो दोस्तों आज जो है हम लोग लेकर आ चुके हैं आप सभी के सामने। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो कि मिड रेंज बाइक दिखाइए, तो यहाँ पे देखिए मिड रेंज बाइक्स जो है कि यहाँ पे पल्सर पैशन है, पैशन प्रो है, ग्लैमर है, एक्सट्रीम है, पल्सर है, और यहाँ पे जो है स्कूटी का जो है बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, सभी अच्छे कंडीशन में है। और इसके साथ साथ जो है आप लोगों को जो है मिड रेंज डिस्कवर आपका हो गया, यामाहा का जो है FZ वगैरह आपको हर चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे जो है बहुत सारी बाइक तो ऑलरेडी है ही, अभी हम लोग इसका चलिए ऑफिस लेकर चलते हैं आपको। और हमारे जो है साथ में आप देख सकते हो शाहनाज भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो शाहनाज भैया कैसे हैं? कैसे हैं? बढ़िया है। हमारे ऑडियंस को एक बार हेलो कर दीजिए। तो योर चॉइस जो है शोरूम हम लोग आ चुके हैं एक बार, हमारे साथ जो है शोरूम के ऑनर शाहनाज भैया। और आज जो है शाहनाज भैया किस तरह की गाड़ी आप हमें दिखाएंगे? बहुत तरह की गाड़ी है, मतलब मिड रेंज बाइक है आपके पास सभी मिड रेंज बाइक। ऑफर्स वगैरह कुछ कस्टमर को 500,000 रुपये का ऑफर मिल जाएगा, 500,000 रुपये का ऑफर भी मिल जाएगा आपको। एक्सप्रेस ब्लॉक का नाम लीजिएगा ज़रूर। और भैया जो आज गाड़ी दिखा रहे हो मिनिमम कहाँ से स्टार्ट है? 17,000 से स्टार्ट है, आपको 44,000 का है। अच्छा अच्छा 17,000 से 44 का है, 45 का है। अच्छा अच्छा स्कूटी भी है, महंगी है। तो दोस्तों यहाँ बहुत तरह की गाड़ी मिनिमम 17,000 से आपको गाड़ियाँ देखने को मिल जाएगी। और अगर भैया जिसे जो गाड़ियाँ आप दिखा रहे हैं तो ये गाड़ियाँ एक्सीडेंटल वगैरह कुछ उसका बैकग्राउंड वगैरह सब अभी जो है हम लोग आपको दिखाएंगे। यहाँ पे तीन तीन गाड़ियाँ जो कि देख पा रहे होंगे आप लोग। तो शाहनाज भैया ये जो गाड़ियाँ हैं आपके पास ये कौन सी गाड़ी है? ये यामा ग्लिटर है। अच्छा ग्लैडिएटर। अच्छा अच्छा क्या है इसका मतलब फर्स्ट ओनर है ये? हाँ फर्स्ट ओनर है। अच्छा अच्छा और कितनी किलोमीटर चली हुई है ये? चली हुई है तकरीबन 60,000। और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों गाड़ी की कंडीशन, टायर तो जो कि आपका अच्छा कंडीशन में है फिलहाल। और गाड़ी वगैरह यहाँ पे इंजन वगैरह देख लीजिए आप लोग। और इस जगह पे जो है इसका ये देखिए टायर है, अगला टायर क्या है इसका, आस्किंग क्या है आपको, क्या दाम रखे हैं इसका? इसका 17,000 रुपये है। 17,000 मतलब 17,000 से कुछ नेगोशिएबल वगैरह आगे पीछे कम वम जगह है इसमें? हाँ जगह है, 1,000 रुपये कम कर देंगे। 1,000 रुपये तक कम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 16,000 में आपको ये गाड़ी आपको देखने को मिल रही है। यामा फेजर है। हाँ फेजर है। तो ये फेजर का क्या है भैया, फर्स्ट ओनर है ये? हाँ सेकंड ओनर है। अच्छा अच्छा इसका आपको हो जाएगा 22,000 की है। 22,000 में यहाँ पैसा दे रहे हो? कब की मॉडल जो है ये बाइक है? ये 2010 की है। 2010 मॉडल है। ये डिस्कवर है। हाँ हाँ तो डिस्कवर का क्या सीन है? ये डिस्कवर है, ये भी है 22,000 की। 22,000 रुपये दाम रखा है। 2010 की है। अच्छा 2010। टायर वगैरह का सब कैसा है? सब बढ़िया है, सब बढ़िया चालू है ना? स्टार्ट है से सब चालू है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो बाइक डिस्कवर, और ये है आपका फेजर, और ये है आपका ग्लैडिएटर। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं एकदम देखिए नई जैसी जो है बाइक पैशन प्रो। और ये बाइक जो है आपको धनबाद नंबर की गाड़ी है, कंडीशन वगैरह ओके है। और क्या है भैया इसका आस्किंग वगैरह, क्या डील क्या है इसका? ये 16 की मॉडल है, 42,000 की। 42,000 2016 फर्स्ट ओनर। कितने किलोमीटर चली हुई है ये? चली हुई है 25,000। 25,000 दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे जो है आपके सामने 80 कंडीशन की जो है बाइक यहाँ पे मिल रही है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है अचीवर। अचीवर है। अचीवर जो है हीरो होंडा की बाइक है। कब की मॉडल की बाइक है ये? 2012 की मॉडल है। 2012 फर्स्ट ओनर है। क्या है भैया इसका डील क्या है? इसका डील है 25,000 की है। 25,000 इसका फाइनल कर लोगे? और कुछ आगे पीछे होगा? हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक्सट्रीम जो है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट भी करते थे। तो ये देखिए काफ़ी कमाल की जो है ये बाइक है। और कंडीशंस देख लीजिए टायर वगैरह का, ओके कंडीशन है। शॉकर वगैरह बिल्कुल अभी फ्रेश दिख रहा है। और क्या है भैया कितनी किलोमीटर चली हुई है? 10,000 चली हुई है। मात्र 10,000? 2018 मॉडल है।
2018 मॉडल फर्स्ट ओनर। हाँ, कहाँ की गाड़ी है ये? धनबाद की। सब गाड़ी धनबाद ही की है। धनबाद की गाड़ी। तो इसका क्या है, आस्किंग क्या है इसका? आपको आ जाएगा 42,000 की। 42,000 रुपये फाइनल। आगे पीछे हो जाएगा? हो जाएगा। यहाँ पे देखो, देख सकते हो पल्सर 150 सीसी वाली बाइक है ये। कंडीशंस वगैरह मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्लियरली। तो यहाँ देख सकते हो कंडीशंस काफ़ी है, जो कि धासु गाड़ी है। और बाइक का जो कि कलेक्शंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इधर भी है और अंदर में भी है। तो यहाँ पे इसकी क्या है डील, क्या है? फर्स्ट ओनर है। हाँ, फर्स्ट ओनर। फर्स्ट ओनर क्या है, कब की मॉडल बाइक है ये? ये आपको है 28,000 की है, 2012 की मॉडल। 2012 मॉडल 28,000। दोस्तों याद रखिए, 28,000 में पल्सर आप लोग ले सकते हो। यहाँ पे देखिए मैस्ट्रो है, ये वाली कौन सी एक्टिवा है क्या? मैस्ट्रो है, मैस्ट्रो है। और ये है आपके पास प्लेजर। प्लेजर है। तो तीन यहाँ पे स्कूटी भी अवेलेबल है। एक अंदर में स्कूटी है। ये तो बिल्कुल नहीं है अंदर वाली। अच्छा अच्छा, तो ये इसका क्या है, मॉडल क्या है? ये 2014 मॉडल है। चली हुई कितनी है? ये चली हुई है 22,000। हाँ, अच्छा अच्छा, 22,000 चली हुई है। और क्या है इसका 2000? ये 28,000 की है, 2014 मॉडल। 2014 मॉडल। तो दोस्तों देख लीजिए बाइक, जो कि आपको स्कूटी। और ये वाली जो स्कूटी आप देख रहे हो मैस्ट्रो, ये भी अच्छी कंडीशन में है। कितनी किलोमीटर चली हुई है सर ये? कितनी किलोमीटर चली हुई है? 2016 की मॉडल है। अच्छा, इसका रेट है आपको 31,000। 31,000 फर्स्ट ओनर। फर्स्ट ओनर। और फिर प्लेजर है 10 की। अच्छा अच्छा, प्लेजर 10 की है। हाँ, 2010 की। 2010 की। तो दोस्तों देख लीजिए प्लेजर 2010 मॉडल की जो है, ये प्लेजर है। और फर्स्ट ओनर है क्या? फर्स्ट ओनर। हाँ, फर्स्ट ओनर। फर्स्ट ओनर है। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे जो है फर्स्ट ओनर, तकरीबन जो है ये 14,000 किलोमीटर चली हुई है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो इसका जो है आस्किंग क्या है, क्या कितना दाम क्या रखा है आपने इसका? 22,000 रुपया। 22,000 रुपया। और नेगोशिएबल हो जाएगा आगे पीछे? हाँ। और ये विक्रांत जो है आपके पास, देख लीजिए दोस्तों बहुत अच्छी कंडीशन में आई है विक्रांत। और किलोमीटर कितनी चली हुई है? लगभग 36,000 के आसपास चली हुई है। तो गाड़ी जो है अच्छी कंडीशन में है यहाँ पे। और ऐसा क्या है भैया आस्किंग? ये 34,000 की। 34,000 फर्स्ट ओनर। कहाँ की गाड़ी है? धनबाद की। धनबाद। नंबर मॉडल कब की मॉडल है? मॉडल 2016 की। 2016 की। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे एक जो है मात्र 3,492 किलोमीटर चली हुई है, एक प्लेजर आप देख लीजिए। बिल्कुल जो है अभी नई बाइक है ये, और बिल्कुल अच्छे कंडीशन में दिख रही है। और ये है भी वाकई में काफ़ी कमाल है। और देख लीजिए टायर, आपको मैं दिखाता हूँ टायर। जैसा कि मैंने बताया वो किलोमीटर बहुत ही कम चला हुई है, चली हुई है, तो टायर भी बहुत ही कम घिसी हुई है। मतलब एकदम 90% टायर बचा हुआ है, क्योंकि ये गाड़ी जो है ना मात्र 3,492 किलोमीटर चली हुई है। और इसका भैया क्या है आस्किंग क्या है? ये 42,000 की। 42,000 फर्स्ट ओनर। हाँ, धनबाद नंबर। हाँ, धनबाद नंबर। 18 लास्ट है, 19 की लमसम की। मॉडल कब की है? 18 लास्ट है, 19 की लमसम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे जो है काफ़ी कमाल है ये, मतलब मक्खन गाड़ी है और बिल्कुल अच्छे कंडीशन वगैरह में है। चलाने में भी काफ़ी अच्छी लगेगी ये। सीट वगैरह देख लीजिए आप लोग, बॉडी वगैरह एकदम ओके कंडीशन है, कहीं भी एक दाग तक नहीं है, एकदम चमचमाती हुई है, बिल्कुल नई जैसी दिख रही है। टोटल जो है सीन है यहाँ पे। सो दोस्तों आपको आज ये वीडियो कैसी लगी है बताइए नीचे कमेंट करके, और इसमें से कौन सी गाड़ी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है अभी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो को अगर देख ली पूरी तरह से देख लियो वीडियो को जो है लाइक करके ही जाना। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगली अपडेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। का जो है एड्रेस डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है, और इस जगह का जो कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है। अगर इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे जो है कॉल आप कर सकते हो, कॉल करके जो है इंक्वायरी ले लीजिएगा, उसके बाद ही यहाँ पे आइएगा, क्योंकि गाड़ियाँ जो है फटाफट निकल जाती है। तो आप लोग, क्योंकि यहाँ पर जो रेट है ना, रेट बहुत ही जेन्युइन रेट होता है और कम रेट होता है, डेट्स वाई गाड़ियाँ ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, फटाफट गाड़ियाँ निकल जाती है। तो आप लोग एक बार कॉल करके कन्फर्म करके ही यहाँ पर आइएगा, ताकि आप लोगों को गाड़ियाँ जो है मिल सके।